स्कॉलर्स, मैसेल भारती सुखेजा, एजुकेटर फ्रॉम कंट्रीसाइड इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन और ईद। ईद जो है रमजान के महीने में आती है। रमजान के 30 रोजों के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर जगह जगह मेले लगाए जाते हैं। आज हम एक ऐसा ही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ईदगाह, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। पाठ दो, ईदगाह। यह चैप्टर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। ईदगाह एक धार्मिक स्थान जहां ईद के दिन की नमाज अदा की जाती है। इस पाठ में एक छोटा बच्चा है हामिद। हामिद मेले में जाता है। मेले में हामिद के दोस्त खिलौने, मिठाइयाँ खरीदकर अपने पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन हामिद कुछ ऐसा करता है कि अपनी दादी का मन जीत लेता है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। गांव में हलचल है, सभी ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से वे अनगिनत चीजें लाएंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या। इनमें सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का दुबला पतला गरीब लड़का है। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, उसके लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ लाने गए हैं। उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सारी चीजें लानी गई हैं। इसीलिए हामिद बहुत प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, क्योंकि आज ईद का दिन है। उसके घर में दाना तक नहीं है और हामिद के पास जूते भी नहीं है। हामिद को ईदगाह में जाना है, लेकिन वो इतना छोटा है कि कहीं भीड़ में न खो जाए, इस बात का अमीना को डर है। फिर भी हामिद गांव के बच्चों के साथ ईदगाह जाने के लिए तैयार होता है। ईदगाह में पहुंचते ही देखिए कितना अच्छा माहौल है। सब तरफ बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं और सहसा ईदगाह नजर आता है, जहां पर एक साथ नमाज पढ़ी जाएगी। सब लोग वहां पर नमाज के लिए खड़े हैं। नमाज खत्म होने पर लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मेले में बहुत सारी खिलौनों की, मिठाइयों की दुकानें हैं, बहुत से झूले हैं। बच्चे बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बच्चे पहुंचते हैं झूले के पास। यहाँ पर हाथी, घोड़े, ऊंट सभी की सवारियां वो कर रहे हैं। एक पैसे में 25 चक्कर लगाएंगे। सभी ने बारी बारी से झूला झूला, लेकिन हामिद दूर खड़ा देखता रहा, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। वह इन पैसों से कुछ नहीं खरीदना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता है। अब बच्चे दूर खड़े खिलौनों की दुकानों को देख रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे खिलौने दिखाई दे रहे हैं। महमूद ने सिपाही खरीदा, लाल पगड़ी वाला और हाथ में बंदूक लिए। नूरे ने वकील खरीदा, मोहसिन ने बिश्ती खरीदा। सभी ने अपने अपनी पसंद के खिलौने खरीदे हैं, लेकिन हामिद ने खिलौने नहीं खरीदे, क्योंकि वह सोच रहा है कि ये तो मिट्टी के हैं और चकनाचूर हो जाएंगे, इसीलिए वह खिलौने नहीं खरीदता।
अब बच्चे मिठाई की दुकान की तरफ चलते हैं। बच्चों ने किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन लिए, किसी ने सोन हलवा लिया, लेकिन हामिद उन्हें देखता रहा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती हैं। वहां पर कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। वह अगर चिमटा ले जाकर दादी को देगा तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, और वे हजारों दुआएं देंगी। हामिद ने ऐसा सोचा, फिर अपना दिल मजबूत करते हुए दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे का है। हामिद का दिल बैठ गया, मतलब वह निराश हो गया। फिर भी हामिद ने कलेजा मजबूत करके यानी कि हिम्मत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। अब हामिद चिमटे को इस तरह रखकर निकलने लगा जैसे उसके बंदूक हो, और वह शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आ गया। अब 11 बज चुके थे, सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। मोहसिन की बहन उसके पास आती है, उसके हाथ से बिश्ती लेती है। बिश्ती एक खिलौना है, वह टूटकर गिर जाता है, चकनाचूर हो जाता है। थोड़ी देर में नूरे का वकील भी टूटकर गिर जाता है, महमूद का सिपाही भी गिर जाता है। इस तरह से सारे खिलौने चकनाचूर हो जाते हैं। उधर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। उसने पूछा कि यह चिमटा कहाँ से लिया, कैसे लिया? हामिद ने जवाब दिया, मैंने मोल लिया है। अमीना ने पूछा, के पैसे में? के पैसे में मतलब कितने पैसे में? तो हामिद ने जवाब दिया, 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, मतलब वह दुखी हुई कि यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो तू यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर उसका क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। दूसरों को खिलौने लेते, मिठाई खाते देखकर क्या इसका मन नहीं ललचाया होगा, अमीना सोच रही थी। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का दिल गदगद हो गया यानी कि प्रसन्न हो गया। अब वह दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआ। तो बच्चों, आपको ईदगाह का चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि किस तरह से हामिद ने अपने सद्भाव, विवेक और त्याग से अपनी दादी का दिल जीत लिया है। अब आपको इसका असाइनमेंट कंप्लीट करना है। वी विल मीट अगेन। बाय एवरीवन।